لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد थोड़ा सा डिस्टर्ब
सलाह पढ़ने की मना सबसे पहले चीज यही है कि इंसान जो भी अपनी जिंदगी का दस्तूर है, जो अपनी जिंदगी के कानून है और जो जिंदगी की तरीकत है उसको वैसे इस्तेमाल करे जिसने हमसे जो चाहा है। अगर थोड़ा सा आवाज मोटी है इसी होगा सब देखा देते हैं जी। ये जो अहम चीज है वो यही है कि इंसान ये देखे कि जिसने हमसे जो चाहा है, मतलब अगर एक बीमार है, एक घर को बनाने वाला है और उससे कहे कि आप घर बनाएंगे और वो घर बनाने के अलावा हमारे लिए गैरेज बना दे, तो क्या ये हक बनता है उसका कि वो कहे हमें मजदूरी दो और हम मजदूरी दे उसको। अगर मैंने किसी को बुलाया दरवाजा बनाने के लिए और दरवाजा बनाने के अलावा खिड़कियां बना के चला जाए, रेलिंग बना के चला जाए, हर काम बना के चला जाए, तो क्या ये मुस्तहिक है जो उसको उजरत दी जाए? पहला सवाल ये होगा, जो मैंने आपसे चाहा था वो आपने नहीं किया। उजरत या मुस्तहिक तब इंसान होता है या कोई भी तब होता है जब वो काम अंजाम दे जैसा जिसने आपको अजीर किया है, जिसने आपको किराए पर दिया है, जिसने आपसे कुछ चाहा है उसके हिसाब से अमल को अंजाम दिया जाए। हमको अल्लाह ने दुनिया में भेजा है निजाम को बर्बाद करने के लिए, एक समाज को बनाने के लिए, और समाज का कानून पुराने की शक्ल में कि ये समाज में तुम्हारे जीने का तरीका ये है, तुम्हारे जिंदगी गुजारने का तरीका ये है। अगर तुमने इस एतबार से जिंदगी गुजारी तो फिर वो अज्र के मुस्तहिक होगे जो हमने अमले साले पर रखा है। अमले साले हम बताएंगे कैसा होता है, तुम नहीं बताओगे कि कैसा होता है, जो तुम बताओगे वो तुम्हारा अमल होगा बजाहिर। और इसके तरफ कुरान ने इशारा भी किया है, बहुत सी दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो तुमको बुरी लगती है मगर वो खैर, और बहुत सी ऐसी चीजें जो तुमको खैर लगती है मगर वो बुरी है। इसलिए कि तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारा जो दिमाग है, जो तुम्हारी फिक्र है महदूद है, तुम सिर्फ जाहिर को देख पाते हो, सारी चीजों को देख पाते हो और उसी के हिसाब से एक नतीजे को निकालते हो। ये हम बताएंगे कि जैसे कि मौला खाना इसकी तरफ इशारा किया है, जो बोला हमें जब दुनिया की मिसाल दिया आपने तो दुनिया की एक मिसाल दुनिया की सबसे खूबसूरत मखलूक के जरिए से दिया और उस खूबसूरत मखलूक का नाम इंसान। दुनिया की सबसे खूबसूरत मखलूक में से सांप है, सर्प है, जो स्नेक है, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत मखलूक में से एक आता है। और आवाज दी कि जो कम अक्ल होता है या अक्ल का मियार यहीं से बरखा, कहा जिनके पास अक्ल नहीं होती है वो सांप की जाहिरी खूबसूरती को देखते हैं और उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन जो साहिबान अक्ल है वो जाहिरी खूबसूरती को नहीं देखते बल्कि उसके अंदर छुपे हुए सहर को देखते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी, दुनिया में कोई भी काम करें, दुनिया के किसी भी काम को हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाएं तो पहली जो हमारी जिम्मेदारी है वो ये देखें कि इसके नतीजे क्या होने वाले हैं, इसका असर क्या होने वाला है। कभी कभी हम जो मैंने मुख्तलिफ उनवान से वैसे भी किया और बात भी किया है, इबादत को भी हमने ऐसा ही बना दिया है। इबादत और आदत दो चीजें हैं हमारे सामने, इबादत अलग है आदत अलग है, और यहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि चूंकि हमें जुहर का वक्त हुआ अजान सुनाई थी आगे मस्जिद की तरफ, ये भी कभी कभी तो ये हम जैसे नाअहिल लोगों के अंदर ये हो जाता है कि पूरी पूरी नमाज हो जाती है और जिसके लिए नमाज पढ़ रहे होते हैं वही याद नहीं आता है। ऐसा होता कुरान का अपनी सलाह तले जिक्री नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, मुझे याद करने के लिए। तो पता क्या चला, जिस इबादत में खुदा की याद न आए वो इबादत नहीं है बल्कि आदत है। अगर हमको सुबह के वक्त उठ के नमाज पढ़ने की, शब पढ़ने की, हर वो अमल जिससे खुदा की याद आए वो इबादत है, वो चाहे मुसल्ले पर खड़ा होना हो, चाहे माँ बाप का चेहरा देखना हो। सलावत और मोहम्मद वाले जब एक चीज हमारी जिंदगी में शामिल हो जाए और एक तरीके से हम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं
तो फिर हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमारी जिंदगी का असल मकसद है। अल्लाह ने वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने इनको पैदा ही किया है अपनी इबादत के लिए। यानी जिंदगी का हर अमल जब करो तो उसका मतलब यह है कि वो अमल इबादत के लिए हो। इबादत का क्या मतलब है? जब कोई काम को अंजाम दो तो उस काम के जरिए से तुम्हें खुदा किया जाए, उस काम के जरिए से खुदा किया जाए। कोई भी हो, खाओ पियो सो जागो, जो भी काम हो, तुम्हारी जिंदगी का रसूल खत जो हो, तुम्हारी जिंदगी का जो क्राइटेरिया हो जो इबादतों का, वो मतलब है कि किसी भी काम में अगर खुदा की याद आ रही है तो इंसान समझे कि वो इबादत है। इसीलिए तो कहा गया आदिम के चेहरे को देखना इबादत, आदिम नालिम के पास बैठना इबादत, और ये कहा गया है आलिम के पास बैठने को, जो हम सब उलमा के पास जाते हैं और बैठते हैं, उलमा के पास बैठने को मस्जिद में बैठने से बात जगह पर बेहतर करार दिया गया। इसलिए कि कितने ऐसे दुनिया में लोग हैं जो मस्जिद में बैठकर खुदा को नहीं पहचान पाते, लेकिन जब किसी आलिम के सामने जानवे तलमुस को जाकर अपने तह करते हैं तो वो आलिम के पास बैठना इबादत। इसलिए क्योंकि वहां आपको अल्लाह की याद आती है, तो अब कायनात भर में अगर किसी की तरफ देखा कि आलिम है, ये कुरान है, ये किताब है, ये मस्जिद है, सब जितने हैं जिधर भी नजर करो खुदा की याद आती है। और फिर उसकी तरह जो हमारा दिन जाता है जिसका पूरा वजूद अगर जिक्र कर दो इबादत, जिसके चेहरे की तरफ देखो दो इबादत, जिसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ जाए दो इबादत, वो है सिर्फ और सिर्फ एक जात और उस जात का नाम है अली इब्ने अबी तालिब। क्योंकि ये वो आयते कुबरा है, ये वो अजीम तरीन अल्लाह की निशानी है जिसका वजूद, जब इंसान उस वजूद की तरफ मुतवज्जे होता है तो अगर किसी चीज का तसव्वुर आता है तो वो रब का आता है। जब इंसान इस मरहले इबादत से पहुंचेगा तो ये अपना अपना नसीब है, तब किसको कौन सी चीज मिल जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो सारी जिंदगी किसी चीज में उलझे रहते हैं मगर वो चीज नसीब नहीं होती, लेकिन कहते हैं कभी कभी रोशनी के लिए एक हल्की सी चिंगारी काफी होती है। अगर इंसान अपनी जिंदगी में उस चिंगारी को महसूस करे और उसी चिंगारी की तरफ कुरान इशारा करता है, कुरान का सबसे बड़ा मरहला यह है कि इंसान को उस मंजिल की तरफ हिदायत कर दे जिसका नाम विलायत है, जिसका नाम इमामत है। अगर जिसने इस विलायत और इमामत को पहचान लिया तो इसका मतलब अपनी जिंदगी में कामयाब हो गया और अपनी जिंदगी के हर मरहले से वासना हो गया। वरना कितने आज हम और आप दिन भर, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शऊर हमारे अंदर पैदा हो गया है कि 20 साल पहले जिन गाड़ियों में गानों की आवाजें लगी रहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज कम से कम लोग कुरान अपना यूएसबी वगैरह जो भी हो कुरान चलाते हैं, गाड़ी लगाते हैं, घर में अपना कुरान चला करते हैं, ये सवाब है। लेकिन इसको इसलिए नहीं ताकि रास्ता हमारा कट जाए, तवज्जो करता हूं, ताकि आप डिस्टर्ब न हो रास्ता कट जाए। अगर ये सोच के लगाया है तो इससे बेहतर है कि ना लगाओ, इसलिए लगाओ ताकि मालूम नहीं इसमें कौन सी चीज है जो हमारी जिंदगी में खाली है, और इस आयत और इस जुमले के जरिए से उस खाली जिंदगी की जगह को भरा जा सके। फुज़ैल एक नंबर का टापू, फुज़ैल बिन अय्याज जो छठे इमाम का सहाबी भी है और राबी भी है हमारे यहाँ, इसको मुअत्तल राबियों में शुमार किया गया। कब जिंदगी की कौन सी दास्तान हमारी जिंदगी को तब्दील कर दे, ये जरूरत है कि इंसान इसकी तरफ मुतवज्जे हो। ये चोर है, एक नंबर का डाकू है, कोई किसी को नहीं कह सकता। देखिए मैं जुमला हमेशा कहता हूं और आप लोगों ने सुना भी होगा, वो तो आते उलमा से, इंसान अपनी माजी के ऊपर कभी फख्र न करे, कभी फख्र न करे। कोई मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे दादा ने ये किया, मेरे बाबा ने किया, इंसान दुआ करे मुस्तकबिल अच्छा हो, आने वाला वक्त अच्छा हो। इसीलिए कहा जाता है हम दुनिया में जिए कैसे, ये मियाद नहीं है, हम दुनिया से जा कैसे रहे हैं ये मियाद है। कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी उस मियार पर गुजारी जो अल्लाह ने मियार बयान किया था, लेकिन जब दुनिया से गए, आपने सोचा था तलहा और जुबैर की हालत ऐसी क्यों हो गई, ये बेहतरीन लोग थे, लेकिन इनकी इब्तिदा को नहीं देखना है। जिस दुनिया से जा रहे वही जुबैर जो अली के ऊपर जान देने को तैयार है, जब इसको दुनिया से जाना हो तो वही जुबैर है जो जंगे जमल में अली के खिलाफ तलवार फेंक के खड़ा है। इसका मतलब क्या है? इंसान अपने आने वाले वक्त के लिए दुआएं करता रहे, इंसान आने वाले वक्त के लिए परेशान हो। ऐसे लोग कभी भी हमें ना कि हमारे 10 मरतबा हज हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह 5 मरतबा ज़ियारत हो गई, कर लिया
दुआ ये करें हम सब कि परवरदिगार जो हमने हज किया है आने वाले वक्त में वो महफूज रहे, जो हमने ज़ारत किया है वो ज़ारतें हमारी महफूज रहे, इसलिए कि कभी कभी इबादतों के ऊपर नाज करना ही इबादतों को जाया कर देता है। और यही चीज शैतान के अंदर थी। आप जो सोचे अगर शैतान ने जो 6000 साल की इबादत नहीं की थी, जो अगर वो इसका एहसास न करता कि मैंने 6000 साल की इबादत की है, तो क्या वो कभी गुरूर करता? कभी गुरूर न करता। उसको आदम के सामने यही एहसास हो गया था कि मैं इतना बड़ा 6000 साल इबादत करने वाला और उसके सामने सज्दा करूं जिसने अभी तक सर भी नहीं झुकाया। आदम ने तो अभी कोई इबादत नहीं की, अभी अभी तो आदम खल्क हो रहे हैं, अभी अभी तो आदम पैदा हो रहे हैं। शैतान को यही गुमान मार गया कि मैं कैसे इसके सामने सज्दा करूं, क्योंकि इसने तो कभी भी सज्दा नहीं किया। मैं तो हूं वो बालन दुबाला हूं, मैं इसके सामने बड़ा हूं, बुजुर्ग हूं, कबीर हूं, अकबर हूं, जो भी हूं, मैं इसके सामने हूं। लिहाजा जब ये एहसास पैदा हुआ तो आने वाली जिंदगी के लिए इसकी 6000 साल की इबादत जाया हो गई। लेकिन अगर इंसान की जिंदगी में वो एहसास बाकी हो, हमेशा ये इंसान एहसास करे कि परवरदिगार मेरे वजूद में कुछ कमियां हैं, मेरे वजूद में कुछ खामियां हैं, तो वो इंसान तरक्की करता चला जाएगा। अगर मेरे वजूद में कभी भी ये एहसास आ गया कि मैंने पढ़ लिया है और पढ़ना मेरे लिए जरूरी नहीं है, तो समझ लीजिए उसी दिन मेरा इल्म खत्म हो गया। लेकिन जिन्होंने ये सोचा है अभी मैंने हासिल ही क्या किया है, अभी तो मुझे इल्म के रास्तों को तय करना है, अभी मुझे इल्म के मराहिल को तय करना है, तो ये वो लोग होते हैं जिनका माजी का इल्म भी कामयाब होता है और मुस्तकबिल में पाने वाला इल्म भी इंसान को कामयाब करता है। सलावत मुहम्मद वाले। जरूरत है इंसान की जब भी कहीं, इसीलिए जो अल्लाह के बंदों की जो मिसाल दी गई है, अल्लाह के खास बंदों की, उनकी जिंदगी के हर पहले को इबादत के लिए बनाया गया है। तो दुनिया में किसी चीज को जो ही नहीं देखते हैं कि मिसाल तो पंखा चल रहा है, कुछ बहुत दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता नहीं, कायनात जो ही चल रही है। अल-मोमिनून नूरुल बिनूरिल्लाह, मोमिन का कमाल यह है कि वो नूर इलाही से पूरी कायनात को देखता है। वो उसकी आंखें नहीं होती है, वो नूर परवरदिगार से देखता है। हर चीज में वो जमीन और आसमान की खिलकत के बारे में जो कुछ है उसके बारे में फिक्र करता है। और जब इंसान फिक्र करता है, पूरी कायनात को जब देख के फिक्र करता है, तो फिर वो अपने बारे में फिक्र करता है कि अल्लाह ने मुझे, जबकि हर चीज का एक मकसद है, सूरज को खल्क करने का एक मकसद, चांद को खल्क करने का मकसद एक है, अगर ये सितारे पैदा हुए तो उसका क्या मकसद है, अगर ये दरिया पैदा हुए तो इसका क्या मकसद है। जब हर चीज के मकसद को वो समझ जाता है, फिर जब अपने वजूद की तरफ देखता है तो पता चलता है कि जब ये हर चीज को अल्लाह ने मकसद के लिए खल्क किया है तो मुझे बगैर मकसद के खल्क नहीं किया है। अगर इंसान इस चीज को समझ जाए, और यही वो चीज थी जो खुदैल ने अय्याज समझ लिया, एक नंबर का डाकू, एक नंबर का चोर, हारून रशीद का जमाना है और इतना खतरनाक है कि कहते हैं कि हारून रशीद भी इससे डरता। एक नंबर का चोर, जिधर से काली, अब तो डाकुओं का जमाना खत्म हो गया है, कल के जो जंगलों में घूमने वाले डाकू होते थे, अभी वो शहरों में आ गए। सलावत पढ़े मोहम्मद आ गए। पुराने दौर में होता था कि वो घोड़े पर सवार बंदूक और वो होता था, जो डाकुओं की अपनी सोच होती थी, हम लोगों के सहन में जो आती थी वो एक जमान था डकैती, अभी तो डकैतियां खत्म हो गई। अब तो बताए ना हम, क्या तो ये हमारे हाथ में डाकू आ गए, साइबर तो सारा सिस्टम है ये। अभी अब तो मैं एक चीज हमेशा ये कहता हूँ, खासतौर से अपने जवानों से यहाँ पर एक चीज जरूर खतर, तो अब तो हालत ये है कि मोबाइल आप बोलिए और जिसकी पहले दावत दी जाती है वो आपको जुआ खेलने की, जुगाड़ खेलने की बात की जाती है। इसलिए आप लोग बहुत तवज्जो के साथ, अगर मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना जानते तो न करिए, लेकिन अगर करिए तो बहुत एहसास से। इसलिए कि कल तक जो हम एक नफ्स होता था और एक नफ्स के बाहर का शैतान होता था, अभी हम 24 घंटा अपने साथ शैतान रखते हैं। अगर जरा सा एहसास हमारा इधर से उधर हुआ तो हमारी नस्लें कब खराब हो जाएंगी हमको पता भी नहीं चलेगा। बहुत जरूरी है कि इनको देखिए, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े जो हमारे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो इसके एडवर्टीजमेंट करती हैं कि ये खेलो, ये खेलो, ये खेलो, और
और कमाल की बात ये कि ज्वार को बड़े अच्छे से बताते हैं और जबकि इसकी आदत नुकसान को हो जाएगी तो उसको बड़े तेजी से बता देते ताकि वो तो सुन के ही। लिहाजा जरूरत है कि हम अपने बच्चों को और खासकर बच्चों की बात करें, देखिए जिन उनको भी पता है, तवज्जो करता हूं, उनको भी पता है कि आज हम किधर जा रहे हैं। आज का हमारा समाज एक वो समाज था कि जब समाज में लोगों को ईमान की वजह से शरफ मिलता था और आज का समाज ये है दौलत की वजह से शरफ मिलता है। पैसा है जिसके पास वो आली जनाब, तो लिहाजा जब लोगों ने देखा पैसे की वजह से इज्जत मिलने वाली है तो हर इंसान ने पैसे की तरफ जाना शुरू कर दिया। वो साहिबान ईमान थे जिन्होंने विलायत को अपनी जिंदगी का ब्रेक बनाया और उन्होंने पैसा कमाया। मैं अभी एक साथ कहने लगे कि आगा आज के जमाने में तो नामुमकिन है कि इतनी जल्दी तरक्की किया जा सके, वो भी हलाल के जरिए से। मैंने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं इसको खुदा बेहतर जानता है, इसको खुदा बेहतर जानता है। हर चीज मुमकिन है, हमें गोट रखनी नहीं आती है जिंदगी में, कौन सी गोट कहां रखनी है। अगर ये ना होता तो फिर कायनात में ऐसी अजीम हस्तियों के मिसाल जिसके जरिए से अल्लाह अपने रसूल को बेनियाज कर रहा है, हज़रत खदीजतुल कुबरा, कि आज कायनात में ऐसी कोई दौलत वाली हो सकती है। अल्लाह हमें ये कदम आगे बढ़ाते चले जाओ, बस एक चीज का एहसास रहे कि जो मैं कमा रहा हूं मेरा माबूद राजी है। यकीन जानिए अल्लाह उस तरीके से बेनियाज करेगा कि हमको एहसास भी नहीं होगा। मैं एक जुमला और कह दूं, दौलत वो नहीं है जो तिजोरियों में भरी रहे, बल्कि पैसा वो है जो हमें सुकून अता कर सके। कितने ऐसे लोग हैं, भरी पड़ी है दौलत मगर जिंदगी में सुकून नहीं है, परेशान हाल है, ये टेंशन वो टेंशन, और कितने ऐसे लोग हैं जेब में कुछ नहीं है और जबान में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। ये क्या है, दौलत का काम आपके जिस्म को सुकून देना है, हलाल दौलत का काम आपके जिस्म और रूह को सुकून देना। जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। फुज़ैल जो रास्ता तय कर रहा है, अचानक वो नहर के किनारे खड़ा हुआ और देखा कि एक खूबसूरत लड़की है जो पानी भरने आई। और एक चीज बहुत सख्त है लेकिन कहना बहुत जरूरी है कि अल्लाह ने हमको इंसान बनाया है, फरिश्ता बनने की कोशिश न करे तो अच्छा है। बहुत से लोगों ने अपने आप को फरिश्ता बनाने के चक्कर में न इंसान रहते न फरिश्ता रहते, वो कौवा चला बन सके चार अपनी चाल भी भूल गया। सलावत पढ़ने को मना रहे हैं, जो अल्लाह ने मियाद पेश किया महरम ना महरम का उसका अगर इंसान लिहाज कर देते तो बहुत से ऐसे कायनात में लोग हैं कि जो हराम की कमाई की तरफ तो नहीं जाते मगर हराम निगाहों से बच नहीं पाते। और वाकियन अगर आप सूरह यूसुफ में देखें तो उसी की तरह इशारा किया गया है। ये जो पूरी दास्तान है और दास्तान को बात लोगों ने इसलिए कहा कि ये कुरान का सूरह ही नहीं हो सकता है, जैसे कैसी बातें उसमें की गई, लेकिन अल्लाह हर दास्तान में एक इबरत को छुपा कर रखता है कि मेरा नबी अगर उसके साथ अल्लाह की रहमत न होती तो वो तबाह हो गया होता, तो हमारी औकात ही क्या है, हम क्यों अपने आप को उस मकाम तरफ लेकर गए। फिर नाम हैरमों के साथ उठा बैठी शुरू हो रही है, खिदमत के लिए हम आगे बढ़ते हैं। कैसी खिदमत, अब शहर में कोई किसी का शौहर मर गया तो उस बेवा की जिम्मेदारी हमारी, अब हम ही जाएंगे उसके दरवाजे खिदमत करने के लिए। खिदमत के और रास्ते हैं, आप क्यों जाते हैं कि उसके दरवाजे पहुंचे, कल आपके इस अमल में कब शैतान घुस जाए कुछ मालूम नहीं है। इंसान ख्याल रखे कि महरमों और नामहरमों का अगर जिंदगी में अपने इंसान ख्याल रखे तो उसे कोई तबाह नहीं कर सकता। लेकिन एक एक जुमला में कहकर उस बात को कंप्लीट करता हूं, शैतान कभी भी आपको अच्छे काम से और हमको अच्छे काम से नहीं रोकता। हमारी जो तवज्जो है ना वो हम सोचते हैं कि शैतान अच्छा काम नहीं करेगा, तो गलत है। और अगर आयत है तो उसकी तावील की जाएगी। शैतान किसी को अच्छे काम से नहीं रोकता, करता क्या है वो आपके अच्छे काम की इंटेंशन को बदल देता है। बस हम नमाज से शैतान नहीं रोकता, बस नमाज में कर नमाज पढ़ो लेकिन वो आज मजमा ज्यादा है मौलाना साहब तो जरा सा कैरात अच्छी कर दो। अच्छे काम से शैतान नहीं रोकता, बस काम के तवज्जो को बदल देता है। एक अच्छा बादशाह, मेरा इरादा ये है कि जो गरीब खड़ा है उसको कुछ नहीं देना है, या अगर देना है तो एक रुपया
रुपया ईमान का एक रुपया निकाल देने दो, पता चला पीछे से जो है वो कुछ मोमिन आ रहे हैं। अभी तक इरादा था एक रुपया देने का, लेकिन जैसे ही पता चला मोमिन आ रहे हैं वही काम करने जा रहा हूं, 10 रुपया निकाल कर जो 1 रुपया अल्लाह के लिए देना था और वो हमारी जन्नत का जामिन बन जाता, और 100 रुपया दे रहे हैं कोई इसका फायदा नहीं। क्यों? शैतान ने काम वही करवाया है, तवज्जो चाहता हूं। बस क्या है, काम की नीयत बदल दिया, जहां नीयत बदली वहां सब कुछ चौपट हो गया। हमारे लिए जरूरी है कि अपने कामों को, तसव्वुरात आती हैं, वसवसे आती हैं, वसवसों को उसकी तरफ न जाकर और अपने आप को लेके जाना कि ये तो हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई देखने वाला हो क्या ना हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसने देखा उस लड़की को और गुंडा तो है ही, कौन सा उसको डर है, और कहा कि जाओ देखो ये किसकी लड़की है, पसंद आ गई है, आज आज ये मुझे चाहिए। अब अल्लाह बचाए हम सबको उन जहर आलूद निगाहों से जो एक नामहरम की तरफ देखने से हमको मिलती है। इसलिए कहा गया कि जब दो महरम नामहरम एक दूसरे को देखते हैं तो उस वक्त शैतान है जो निगाहों के जरिए तीर चला रहा होता है और हम उसमें कत्ल हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। वो हम ऐसे मकदूर होते हैं जिन्हें खुद कत्ल का पता नहीं चलता है कि हम कब मारेंगे। उसने देखा, उसने कहा कि इसके साथ तो ये इतनी खूबसूरत है, हमारी नजर ही नहीं पड़ी कभी इसके ऊपर, जाओ देखो ये कहां जा रही है, किसकी बेटी है, किस घर में रहने वाली है। लोग उन्होंने जाके बताया कि ये फला की बेटी है, फला इसका घर है, निशाना उशाना लगाकर वो आगे रात का सन्नाटा। लेकिन जुमला कहा है कि जितनी ज्यादा तारीकी होगी उतना ही नूर उसको रोशन करेगा। कभी कभी ये होता है कि जब उजाला होता है तो वहां छोटे मोटे उजालों का कुछ असर पड़ता नहीं है, मतलब सूरज के साथ ना चिराग जलाइए कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर बिल्कुल इस और में अगर अंधेरा कर दिया जाए एक हल्की सी लाइट भी इसको ऐसा लगेगा बहुत उजाला कर दिया और उसके वजूद में पूरी तरीके से तारीकी है, तिरकी है और अंधेरा है पूरी तरीके से। फुज़ैल पहुंचा उसके घर में, कूद रहा है उस लड़की की आबरू के लिए, मुख्तसर करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आबरू लेने के लिए बगल के घर में कोई कुरान पढ़ रहा है। أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ أَنْ يَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, क्या अभी भी मोमिनीन के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनका दिल अल्लाह के जिक्र से खशियत पैदा करे। चूंकि जब इंसान को हिदायत लेनी होती है, इंसान के वजूद में वो जौहर पैदा होता है कि जो उसको हिदायत दे सके, तो फिर इंसान कामयाब हो जाता है। और मैं कल भी इस बात को मैंने कहा और आज भी इस बात को कह रहा हूं, कोई इंसान किसी को नहीं बदल सकता अगर वो खुद बदलना ना चाहे। कितने ऐसे हैं जो रोज बदलना चाहते हैं मगर बदल नहीं पाते, कोई किसी को नहीं बदल सकता है। और मैं जुमला और कहूं, अल्लाह भी किसी को बदलना नहीं चाहता, वरना हमारी क्या हैसियत थी जब उसके सामने बगावत करें। उसने सिर्फ रास्ता दिखा दिया है, बदलना या न बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लिहाजा जैसे ही उसने ये सुना और उसने ये एहसास किया कि मुझसे गलती हो गई है, उसने कहा आ गया है वो वक्त, और उसने वहीं पर उस नियत को बदला और नतीजा क्या हुआ, तन्हा बदला नहीं। देखिए माजियों को, अपने गुजरे हुए वक्त को इंसान को कैसे बदलना है, ये इंसान जब हिदायत के नूर से पैदायाब होता है तो इंसान उन चीजों को जितना उसने लूटा था सब देने लगा, सब वो जिसका जिसका था उसके पास देने लगा। एक यहूदी को बहुत उसने लूटा था, बहुत ज्यादा उसने यहूदी को लूटा था। वो जब भी तजारत के लिए आता था उसकी घाट लगा के बैठा रहता था और उसको लूटता रहता था। उसके पास गया, उसने कहा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए जितना तुमने उसको लूटा है सब दो। कहा मेरे पास तो अभी कुछ बचा ही नहीं है, जो है उतना ले लो और बाकी को जो मुझे माफ करो। कहा मैंने माफ नहीं करता। फिर कहा एक काम करो कि मेरा ही पैसा मुझे दे दो। कहा वो कैसे? कहा मेरे बिस्तर के नीचे बहुत सोना रखा हुआ है, सोना निकाल कर मुझे दे दो तो मैं तुमको माफ कर दूंगा, क्योंकि मैंने ये कहा है कि जब तक पैसा मेरे हाथ में नहीं रखोगे मैं तुमको माफ नहीं करूंगा। कहा कहां है? कहा मेरे बिस्तर के नीचे सोना रखा हुआ है। उसने हाथ डाला, सोना निकाल कर उसको दिया।
जैसी उसने दिया उस यहूदी ने कहा अपने कलमे को मुझे बताओ कि शहादतें पढ़नी कैसी है। कहीं कैसी बात कर रहे हो, तो सोना मांग रहे थे और मैंने सोना दिया, तो बजाय इसके लिए तुम मुझे माफी माफ करो, तुम अपने इस्लाम की तरफ आने की बात कर रहे हो, मुसलमान होने की बात कर रहे हो। कहा इसलिए कि मेरे बिस्तर के नीचे सोना था ही नहीं। फिर कहा मैंने अपनी किताब में यह पढ़ा है कि अगर उम्मते मुहम्मदी में से जो भी इंसान सिद्ध से नीयत से तौबा कर लेगा और जिस इरादे से अगर सोने के इरादे से खाब पर भी हाथ रखेगा तो अल्लाह उस खाब को सोने में तब्दील कर देगा। तुमने तौबा कर लिया है, इसका मतलब यह कि जब इतना मजबूत दीन है कि जो मिट्टी पर रखे तो सोना हो जाए, तो फिर वो इंसान की तब्दील कैसे बदल सकता है। सलावत और मोहम्मद वाले बस जरूरत यह कि इंसान खुद को तब्दील करने की कोशिश करे। शब जुमा है हर बाजा दो चार तुमने मसाइल किए, आज इस जगह पर आप बैठे हुए अपने मरहूमी को याद रखिए, अपने मरहूमी के लिए दुआएं मफरत करें। दुनिया की सबसे बड़ी हिदायत की जो दरसगाह है वो दरसगाह हुसैनी की, दुनिया की सबसे बड़ी जहां से हिदायत मिलती है कि नल हुसैन नल इस्बाबुल खुदा व सफी नल चराग हिदायत का नाम है हुसैन अली, कश्ती नजात का नाम है हुसैन अली। इस पर जो भी इंसान दुआ मांगे अल्लाह हुसैन के सदते में हर दुआ को पूरी करता है। बस इंसान हुसैन की मार्फत अपने अंदर लेकर चला है। एक वो साथ जिसने जमाल परवरदिगार को करबला में देखा और अपने पूरे कुनबे को अल्लाह के दीन के लिए और जमाल इलाही के लिए कुर्बान किया। शबी जुमा के हवाले से तो जुमले मसाइब के और आपके सहमत को तमाम कर तो इनाम से सुना हुआ है, मैंने भी पढ़ा है दूसरे लोगों ने। मसाइब करबला में कुछ नया नहीं हुआ है, वो आप और आपकी आवाज और दर्द सुनते आए हैं वही। करबला में कुछ नया नहीं है, करबला सिर्फ और सिर्फ तसव्वुरात को बेदार करती है। इंसान अपने अंदर उस एहसास को जिंदा करे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी क्यों भी कर बना नहीं बता। हमें अपनी औलाद प्यारी है क्या इमाम को अपनी औलाद प्यारी नहीं थी। ऐसे ऐसे जवान जो मदीने की गलियों में अगर अली अकबर निकलती हैं तो लोग अपने दुकानों को बंद करके बाहर खड़े हो जाते हैं। आप ये सोचिए कि जिस अली अकबर को लोग देखने के लिए हुस्न यूसुफ कुर्बान हो रहा है अली अकबर के हुस्न के ऊपर, हुस्न यूसुफ कुछ नहीं है हुस्न अली अकबर के सामने। आप ये सोचिए जिसको मदीने वाले इतनी मोहब्बत से देखते हूं उसको किस नजर से देखती होंगे, उसको इमाम हुसैन किस नजर से देखते होंगे। और यही वजह है उलमा ने कहा है आखिर वक्त इमाम से जब जनाब अली अकबर इजाजत लेने आए हैं तो इमाम इजाजत नहीं दे पा रहे थे और कहा जाओ को भी से अपनी इजाजत। इसे हमें गौर करने जरूरत है। शबे जुमा के अरबाबी आजाद ईरान का काफिला है जो हमेशा जारत के ऊपर जाता है। आज भी अलहमदुल्ला जो नवा खान हजरात ने अजामी अदा चल रहे हैं सब जाते हैं वहां जारत और नवा खान भी साथ साथ जाते हैं। बहरहाल नवा खान और जाकिरीन और ये मजलिस पढ़ने वाले एक एहसास को बेदार करते हैं। अभी आप बैठे हुए थे जरा सा मैंने जिक्र किया आपकी आंखें आंसुओं से भर गई, आपके दिल इमाम हुसैन की मोहब्बत से लबरेज हो गए। वो नोहा खान भी अब्बास हैं जो हमेशा जाते हैं, नाम उनका है हाजी अब्बास जो हमेशा काफिले के साथ जाते हैं और जाते हैं और नोहा पढ़ते हैं, लोगों को रुलाते हैं, हुसैन की याद दिलाते हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ जो उनके पास पैसा नहीं था जाने के लिए, लोगों ने कहा कि आप हाजी अब्बास आप चलिए हमारे पास। उन्होंने कहा कि इस साल मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा। आप ऐसी बात क्यों करते हैं, आपके बगैर तो काफिला ही नहीं है, आप अगर नोहा न पढ़ेंगे आप अगर मातम न कराएंगे तो करबला की ज़ियारत में वो रंगत नहीं आती है। मौला के रोजे को देखकर सुकून तो बहुत मिलता है, लेकिन हाजी अब्बास जब आप नोहा पढ़ते हैं जिस कलेजे में आग से लगती है आप हमारे साथ चलिए हम आपके आने जाने का इंतजाम करेंगे। चला ये काफिला
शबे जुमा थी, एक दो मंजिल दूर ये कबला पहुंच गया। लोगों ने कहा हाजी अब्बास अब क्या करें, रात यहीं पर रुक जाए कि कर्बला चले। हाजी अब्बास ने कहा अब जब दो मंजिल बची है, शबे जुमा है, तो अब यहाँ पर रुक कर क्या करेंगे, चलेंगे अपने गरीब इमाम के रोजे में मातम करेंगे, नौहा करेंगे, शबे जुमा हुसैन के दयार में चलकर हुसैन की माँ को पुरसा देंगे। चला ये काफला रोजे में पहुंचा, कहा नौहा पढ़ो हाजी अब्बास, कहा आज शबे जुमा है, मैं खुद नहीं नौहा पढ़ूंगा, मैं आज सहारा देखता हूँ, जो मेरी डायरी में नौहा निकलेगा वो मैं पढ़ूंगा। बस डायरी खोली है, हुसैन के जवान बेटे का नौहा सामने आ गया, हुसैन के अली अकबर का नौहा आ गया। अब नौहा पढ़ा, बेतहाशा का गिरिया हुआ, शबे जुमा भी है, अली अकबर जैसे जवान जिसकी शहादत ने हुसैन की आंखों से रोशनी ले ली, जिसकी शहादत ने हुसैन को मक्तल में बार बार जमीन पर गिराया, जिसकी शहादत ने अहले हरम को जख्मी कर दिया, जिसकी शहादत बाब और मां देती है, ये जो अदालार आंसू बहाते हैं, ये जो अदालार रोते हैं, हुसैन के जख्मों का मरहम है, सारे जख्म आंसुओं से मुंतमिल हो जाते हैं, एक जख्म ऐसा है जो मुंतमिल नहीं होता, वो हुसैन के सीने का जख्म है जो अली अकबर की बरकी की वजह से हुआ है। ए अरबाबे अदा, एक जुमला नौहा पढ़ा, बहुत गिरिया हुआ, बहुत लोग रोए, शाम में ये होटल की तरफ वापस आए, आधी रात गुजर गई, अचानक इनकी आंख खुली, देखा कोई आ रहा है, मुकाशिफा हो रहा है, देखा कोई आ रहा है, आने वाले ने कहा हाजी अब्बास आपसे हुसैन मिलने आ रहे हैं, आपसे मेरा मौला मिलने आ रहा है। जैसे खबर सुनी फौरन बैठ गए, इंतजाम के लिए खड़े हो गए, दस कदम आगे बढ़े, हुसैन ने मजलूम आए, आने के बाद अली वली फिर गए हैं, ए अदादारों कभी ये नहीं सोचना है, अदादारी में हुसैन के लिए बहाया हुआ एक आंसू, अदादारी में हुसैन के लिए काम किया गया एक कोई काम, हुसैन ने मजलूम के लिए दुनिया भूल जाए, हुसैन नहीं भूलते, दुनिया भूल जाए, मादर हुसैन नहीं भूलती। ए अबाबियादा, इमाम ने आकर सारी बातें की, एक जुमला कहा, हाजी अब्बास जब वापस जाना, एक बूढ़ा है जो तुम्हारे शहर में रहता है, वो मुझसे मुलाकात की बड़ी तमन्ना रखता है, वो तो अंदर भी नहीं आता है, वो अदा आने के बाहर बैठा हुआ अदादारों की चप्पल सीधी करता रहता है, ए हाजी अब्बास जब जाना तो उसको मेरा सलाम कह देना। बातें हो रही है, एक मतवा इमाम ने सर को झुकाया, हाजी अब्बास तुम्हारा शुक्रिया, यहाँ पर तशरीफ लाए, नौहा पढ़ा, गिरिया कराया, लेकिन एक तुमसे दरखास्त है, आप जब कभी आना शबे जुमा हो तो कुछ भी पढ़ना, मेरे अली अकबर का नौहा न पढ़ना, मेरे अली अकबर की मुसीबत न पढ़ना, ये बोला मुझसे क्या खता हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने कोई गुस्ताखी कर दिया, नहीं हाजी अब्बास तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की, आज शबे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि